हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड वेस्टर्न सैचुरेटेड सेल को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड सेल्स कौन से होते हैं और कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। जो सबसे पहली कंडीशन है कि वो सेल्स जिनका जो सेल पोटेंशियल है वो टाइम के साथ कॉन्स्टेंट रहे। सेल पोटेंशियल रिमेन कॉन्स्टेंट विद टाइम, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है कि वो सेल्स जो हैं वो रिवर्सिबल सेल्स होने चाहिए। और थर्ड कंडीशन है कि इनका लो टेम्परेचर कॉफिशियंट होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, पोटेंशियल कॉन्स्टेंट रहना चाहिए टाइम के साथ। दूसरा, रिवर्सिबल सेल्स मीन्स अगर हम सेल की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो सेल रिएक्शन भी रिवर्स हो जाए, तो वो रिवर्सिबल सेल्स होते हैं। नेक्स्ट इज लो टेम्परेचर कॉफिशियंट मीन्स टेम्परेचर, देखो EMF को इफेक्ट करती है, EMF पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। तो वो सेल्स जिनका टेम्परेचर, जिनकी EMF पर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, उनको लो टेम्परेचर कॉफिशियंट वाले सेल्स कहते हैं, और वो स्टैंडर्ड सेल्स की एक कंडीशन है। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडर्ड वेस्टर्न सैचुरेटेड सेल की। स्टैंडर्ड वेस्टर्न सैचुरेटेड सेल की, तो देखो ये सेल ना एच शेप्ड का एक सेल होता है, इस तरह से कुछ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टॉप पे हमारे पास सीलिंग होती है और यहाँ पे एक वैक्स कॉक होती है। सिमिलरली यहाँ पे सीलिंग होती है और यहाँ पे एक वैक्स कॉक होती है। दिस इज सीलिंग और यह है वैक्स कॉक, राइट। तो और इसमें जो है, इन ट्यूब्स में क्या फिल्ड होता है, सैचुरेटेड कैडमियम सल्फेट का सोल्यूशन होता है एज इलेक्ट्रोलाइट। सैचुरेटेड कैडमियम सल्फेट का सोल्यूशन होता है। और इस लिम्ब को, जो लेफ्ट लिम्ब है, वो हमारे पास एनोड है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज है। ये वाली लिम्ब कैथोड है, पॉजिटिवली चार्ज है, बिकॉज हमने कोई बैटरी या कोई सेल अटैच नहीं किया है। तो ये हमारे पास एक तरह का गैल्वेनिक सेल है। तो इस साइड पे हमारे पास जो है प्लैटिनम वायर होती है, जो कि डिप्ड होती है कैडमियम एमलगम में। दिस इज कैडमियम एमलगम। कैडमियम एमलगम में 12-14% कैडमियम होता है। और यहाँ पे इस लिम्ब में जो है प्लैटिनम वायर डिप होती है मर्करी में। दिस इज मर्करी। और ये मर्करी जो होता है कवर्ड होता है विद अ पेस्ट ऑफ मर्क्यूरस सल्फेट एंड मर्करी। पेस्ट ऑफ मर्क्यूरस सल्फेट एंड मर्करी। और इन दोनों लिम्स पे, इन दोनों साइड्स पे यहाँ पे हम स्प्रिंकल करते हैं कैडमियम सल्फेट .8/3 H2O के क्रिस्टल्स को। कैडमियम सल्फेट .8/3 H2O के क्रिस्टल्स को, राइट। इसका क्या काम होता है, ये इस सोल्यूशन को हमेशा सैचुरेटेड रखती है एट ऑल टेम्परेचर, राइट। तो ये हमारे पास फंक्शन होता है। तो इस पर एक बार फिर देखते हैं कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे एनोड होता है, राइट साइड पे कैथोड होता है। एनोड में हमारे पास प्लैटिनम वायर जो होते हैं वो डिप्ड होते हैं कैडमियम एमलगम पे, जिसके ऊपर हम स्प्रिंकल करते हैं कैडमियम सल्फेट .8/3 H2O के क्रिस्टल्स को। और कैथोड में हमारे पास प्लैटिनम वायर होती है डिप्ड इनटू द मर्करी मर्करी, और ये मर्करी कवर्ड होता है विद द पेस्ट ऑफ मर्क्यूरस सल्फेट एंड मर्करी, और इसके भी ऊपर हम स्प्रिंकल करते हैं कैडमियम सल्फेट .8/3 H2O के क्रिस्टल्स को। अगर हम इस सेल की सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो देखो हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। उससे पहले देखो, अगर हम सिंगल वर्टिकल लाइन लगाते हैं ना, इसका मतलब होता है फेज चेंज हो रहा है, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, कोई फेस चेंज हो तो हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगाते हैं। और कोमा हम लगाते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन में उन स्पीशीज के लिए जिनका सेम फेज होता है। अब हम इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम सेल रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं एनोड, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कैथोड। तो लेफ्ट में होता है एनोड, राइट में होता है कैथोड। अब सेल देखो, सबसे पहले एनोड आएगा, प्लैटिनम वायर है, प्लैटिनम अब सॉलिड है, वायर है, तो ये किस में डिप्ड है, कैडमियम एमलगम में, मर्करी में। और मर्करी में क्या है, कैडमियम एमलगम है, CDHG। और ये किसके साथ है, इसके साथ हमारे पास कैडमियम सल्फेट .8/3 H2O के सॉलिड क्रिस्टल्स है। और ये जो है किसके साथ है, ये इलेक्ट्रोलाइट इसके साथ कनेक्टेड है, CDSO4 का सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड कैडमियम सल्फेट। ये हमारे पास एनोड, यहाँ तक हमारे पास एनोड थी, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। अब इस साइड पे आएंगे तो हमारे पास सैचुरेटेड कैडमियम सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है, ये किसके साथ है, इसका अब ये लिक्विड है, ये किसके साथ फेस चेंज कर रही है, कैडमियम सल्फेट .8/3 H2O के साथ, जो कि सॉलिड क्रिस्टल्स है। ये किसके साथ फेस सेपरेट कर रहा है, ये HG2SO4 HG के साथ, कोमा रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिकॉज इनका एक पेस्ट है। नेक्स्ट ये किसके साथ है, प्लैटिनम वायर के साथ डिप्ड है।
तो ये हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन है, इसको ध्यान से देखते हैं। तो एनोड हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, प्लैटिनम वायर है मरकरी के साथ जो है, प्लैटिनम वायर की फेज चेंज है मरकरी के साथ, मरकरी लिक्विड है, यहाँ पे कैडमियम एमलगम है और ये सॉलिड है, तो ये सारे अपने आप में फेजेस चेंज हो रहे हैं। सैचुरेटेड कैडमियम सल्फेट लिक्विड है तो ये सॉलिड के साथ फेज चेंज है। उसके बाद इस साइड पे भी हमारे पास सॉलिड है, यहाँ से चलना है हमने लेफ्ट साइड से, यहाँ से चल के हमारे पास कैडमियम आया, फिर कैडमियम सल्फेट डॉट 8/3 H2 है, फिर इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन है, फिर इस साइड पे पहुंचे तो हमारे पास फिर से कैडमियम सल्फेट डॉट 8/3 H2 आया, फिर हमारे पास इसका पेस्ट आया और फिर हमारे पास यहाँ पे आया प्लेटिनम। तो इस तरह से इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनोड और कैथोड पे कौन कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं। तो एनोड की बात करते हैं, एनोड पे हमें पता है हमारी ऑक्सीडेशन होती है, और एनोड पे क्या क्या प्रेजेंट है, हमारे पास कैडमियम एमलगम है और हमारे पास कैडमियम सल्फेट डॉट 8/3 H2O के क्रिस्टल्स हैं। तो अब रिएक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो हमारे पास रिएक्शन होगी कैडमियम जो कि सॉलिड है, प्लस हमारे पास SO4 2 नेगेटिव है, प्लस 8/3 H2O, ये एक्वस है, ये 8/3 वाटर है, ये दोनों क्या मिला के बनाएंगे, कैडमियम सल्फेट डॉट 8/3 H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैथोड की। कैथोड पे हमारे पास हमेशा रिडक्शन होती है, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड पे हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास मर्क्यूरस सल्फेट और मरकरी का जो था पेस्ट था जो कि मरकरी के साथ डिप्ट था, तो यहाँ पे Hg2SO4 दैट इज मर्क्यूरस सल्फेट, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगी जो कि इसने दिए हैं और ये हमें देगी 2 Hg। यहाँ पे हमारे पास इसका सॉलिड था, मरकरी लिक्विड होती है, प्लस SO4 2 नेगेटिव विच इज एक्वस। तो ये हमारे पास रिएक्शन होगी कैथोड पे और ये देख सकते हैं ये रिडक्शन रिएक्शन है। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें या नेट सेल रिएक्शन की बात करें तो इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा कैडमियम सॉलिड प्लस ये वाला जो सल्फेट है वो इस सल्फेट के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस Hg2SO4 विच इज सॉलिड, प्लस 8/3 H2O, ये हमें बना के दे रहा है कैडमियम सल्फेट डॉट 8/3 H2O जिसका फेस जो है वो सॉलिड है, प्लस 2 Hg लिक्विड। तो ये हमारे पास नेट सेल रिएक्शन है। ये तब सेल रिएक्शन है जब हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिसिटी हम नहीं प्रोवाइड कर रहे, यानी कि इस सेल से हम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं। और अगर मैं इस सेल को रिवर्स कर दूं, यानी कि अगर मैं बैटरी अप्लाई कर दूं जिसकी EMF इसकी सेल रिएक्शन से ज्यादा है, जिसकी EMF इसकी सेल रिएक्शन से ज्यादा है, तो सेल जो है वो रिवर्स हो जाएगा बिकॉज ये रिवर्सिबल सेल है। तब जो सेल रिएक्शन है वो हमारे पास बनेगी कैडमियम सल्फेट डॉट 8/3 H2O प्लस 2 Hg लिक्विड will give you cadmium solid plus Hg2SO4 solid plus 8/3 H2O। तो ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है तब जब हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो ये जो है स्टैंडर्ड सेल है तो इसका टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है, बट फिर भी अगर हमें देखना है कि इसकी EMF टेम्परेचर के साथ किस तरह से चेंज होते हैं तो इसका एक रिलेशन है, EMF इन वोल्ट्स इज इक्वल्स टू 1.01830 माइनस 4.06 इंटू 10^-5 टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड -20 -9.5 इंटू 10^-7 टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड -20 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो कि हमें EMF बताता है विद टेम्परेचर। अगर मान लो टेम्परेचर हमारे पास चेंज हो रहा है, मींस पहले टेम्परेचर 20 था अब 25 हो गया, तो अब EMF पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बहुत ही स्लाइट इफेक्ट पड़ेगा और हम EMF को अप्रोक्सीमेटली इतने वोल्ट्स ले सकते हैं बिकॉज इन सेल्स का लो टेम्परेचर कोफिशिएंट है। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है EMF बहुत ज्यादा चेंज नहीं करेगी, इससे बहुत ज्यादा चेंज नहीं करेगी अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे, बिकॉज इस पूरी टर्म को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। बट फिर भी अगर हमें एग्जैक्ट EMF निकालनी है विद टेम्परेचर तो हम इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। So this is all about standard saturated western cell. I hope ki aaj ki video clear hogi. If you guys like our video then please subscribe to our channel. Thank you so much.